सुजानपुर में मोदी है तो मुमकिन है के नारों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया है। सुजानपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 और 9 में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के लिए वोट सपोर्ट की अपील की है, जहाँ उनका भाजपा शहरी इकाई सदस्यों के साथ साथ भाजपा मंडल पदाधिकारियों, स्थानीय लोगों, पन्ना प्रमुख एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल ने देश को 11वें पायदान से 5वें पायदान तक पहुंचा दिया है, जो देश के लिए सौभाग्य की बात है। भारत विश्व की 3 ताकतों में शुमार होने वाला है। ये सब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का करिश्मा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखने का सपना है, लेकिन केवल 2 जन कांग्रेस और पाकिस्तान ऐसे हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अगर पाकिस्तान और कांग्रेस को आज की तारीख में सबसे बड़ा किसी से खतरा है तो वे मोदी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में अगर केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान किया जाए तो दर्जनों ऐसी सौगातें हैं जिनका अनुभव और फायदा देखा जा सकता है और लिया जा सकता है, क्योंकि ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि मोदी हैं। ऐसे में अगर बात हिमाचल में एम्स की करें या फिर किसी मिनी PGI की करें या फिर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की या IIIT ऊना की या फिर बिलासपुर के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की या देहरा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या फिर हमीरपुर जिला में 5 सेंट्रल स्कूल खुलवाने की या फिर रेल लाइन के सर्वे की, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए अगर ये कहना पड़े कि मोदी है तो मुमकिन है, कतई गलत नहीं होगा। ऊना से हमीरपुर की रेलवे लाइन का फाइनल सर्वे हो गया, अप्रूव हो गया है, स्टेशन तक तय हो गए हैं, 2900 करोड़ का बजट स्वीकार हो गया है, मोदी सरकार बनेगी आते ही फिर काम शुरू होगा, फिर ट्रेन के लिए ऊना नहीं जाना पड़ेगा। विपक्ष वाले नहीं चाहते कि, लेकिन क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान चाहता है मोदी प्रधानमंत्री बने? वो भी नहीं चाहता, कांग्रेस भी नहीं, दोनों की एक ही च्वाइस है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सोचता है अगर मोदी बन गया तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, ये तो घर में आके मारता है। वो अंग्रेज जो 200 साल हमारे ऊपर राज कर गए, 2014 में जब हम सत्ता में आए तो आर्थिक तौर पर हम 11वें स्थान पर थे विश्व में, इन 5 वर्षों में हम 6ठे स्थान पर आ गए हैं, और कल 31 मार्च के बाद जब असेसमेंट होगा तो पूरा अंदाजा ये है कि उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर भारत 5वें स्थान पर दुनिया में होगा। आने वाले 5 वर्ष में विश्व की 3 ताकतों में से एक भारत होगा। इसलिए कई लोग डरे हुए हैं, 40 साल से बंद पेंशन नहीं मिल रहा था, मोदी आए तो सबको बंद पेंशन दिया, मोदी है तो मुमकिन है। गैस के कनेक्शन गरीब महिलाओं को नहीं मिलते थे बिना पैसे के, मोदी आए तो मुमकिन है। किसान को 2000 की 3 किश्तों में 6000 रुपए साल का देना, मोदी है तो मुमकिन है। गर्भवती महिलाओं को खुराक के लिए 6000 रुपए साल का देना, मोदी है तो मुमकिन है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीरेंद्र ठाकुर, सुजानपुर शहरी अध्यक्ष सुमन महाजन, महासचिव सुधीर भटनागर, बूथ अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, महामंत्री अनिल शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर और समीर वर्मा के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।